तो भाई रिसेंटली एप्पल ने लॉन्च करी थी अपनी एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 इस गेस्चर वाले फीचर को हाईलाइट करते हुए 90,000 की प्राइसिंग के साथ में। अब अपना बजट 90,000 का तो नहीं है लेकिन 2,500 का तो है ना भाई, तो इसीलिए इसी बजट पर हमने आपके लिए बाय करी है ये अल्ट्रा 2 का क्लोन जो कि इस गेस्चर वाले फीचर के साथ आता है। खाओ मां कसम। बाकी ये वाली जो स्मार्ट वॉच है वो कार्बन न्यूट्रल पैकिंग के साथ आती है जो कि एप्पल ने मेंशन करा था अपने बॉक्सेस पर। बात करने वाली इस स्मार्ट वॉच के बारे में, देखेंगे कि इसका गेस्चर वाला फीचर कैसा वर्क करता है एंड ओवरऑल अपने साथ ये और क्या क्या चीज़ें लेकर आती है। वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाली है तो बस एंड तक बने रहना। चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करती है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इस वाली स्मार्ट वॉच को बाय किया है जोन अल्फा से एंड भाई ये काफ़ी जेन्युइन ट्रस्टेड वेबसाइट है। बाकी इसका इंटरफेस आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, आप यहाँ से जाकर बाय कर सकते हो बेझिझक होकर, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहा हमारे पास अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच का बॉक्स एंड यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि ये कार्बन न्यूट्रल पैकेजिंग के साथ आता है एंड अल्ट्रा 2 में जो सबसे हाईलाइटेड फीचर था गेस्चर वाला, जिसे कि एप्पल ने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया था, वो भी इसके अंदर है। बाकी वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम आगे बात करने वाली है एंड मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये 49mm में है। अब फटाफट से ज़रा स्मार्ट वॉच को ओपन कर लेते हैं। तो भाई बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले में मिली है ये यूज़र मैनुअल गाइड एंड ये एक बुकलेट टाइप की है। अंदर की साइड आपको पतले पतले पेजेस मिल जाती है लेकिन जो उसका कवर है भाई वो काफ़ी बल्की आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी से फिलहाल साइड में रख देती है। ये है हमारा मेन बॉक्स एंड फटाफट से इसे ओपन कर लेती है। इधर की साइड हमें मिल जाएगी अल्ट्रा 2 का मेन केस एंड यहाँ पर एक वो सेक्शन है। सबसे पहले हम जरा इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई ये रहा हमारे पास इस अल्ट्रा 2 स्मार्ट वॉच का मेन डायलर। बैक साइड पर आप चेकआउट कर सकते हो कि स्क्रूज वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, फिलहाल साइड में रख देती है। फिलहाल हमारे पास जो एक और सेक्शन है इसे हम जरा चेकआउट कर लेती है कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। तो भाई इसके अंदर हमें मिल जाती है एक वायरलेस चार्जिंग केबल जिसकी वायरिंग आपको अच्छी खासी लंबी प्रोवाइड करवाई गई है। अगर क्वालिटी की बात करते हैं तो वो भी ठीक ठाक मिल जाती है। बाकी यहाँ पर हमें मिल जाती है ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो कि स्ट्रैप लॉकिंग के साथ आती है। तो यही था इसका बॉक्स कंटेंट। फिलहाल सब चीज़ों को हम जरा साइड में रख देते हैं एंड बात करते हैं मेन डायलर के बारे में। तो इसकी राइट हैंड साइड पर आपको प्रोवाइड करवाया गया एक वर्किंग ग्राउंड, एक माइक्रोफोन एंड यहाँ पर आपको मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन। अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड के बारे में, यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल प्रोवाइड करवाई गई है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक्शन बटन देखने के लिए मिल जाता है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके बैक साइड के बारे में तो यहाँ पर आपको चारों कॉर्नर्स में स्क्रूज का सपोर्ट, साथ ही साथ स्ट्रैप लॉकिंग भी प्रोवाइड करवाई गई है एंड यहाँ पर है बीच में इसका मेन सेंसर एंड चार्जिंग पॉइंट। अब फटाफट से जरा एक बार इसे स्विच ऑन कर लेती है एंड चेकआउट करते हैं कि हमें किस तरह का लोगो देखने के लिए मिल जाता है। अगर यहाँ पर एप्पल लोगो हुआ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमें ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। लेकिन अगर बात करते हैं इसके यूआई के बारे में, भाई काफ़ी स्मूथ है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। फटाफट से जो हमारे पास है ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स है, इन्हें हम इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो भाई स्ट्रैप्स को अटैच करने के बाद ऐसी कुछ लुक्स आपको ये प्रोवाइड करवा रही है एंड काफ़ी प्यारे लग रही है इन ब्लैक कलर के स्ट्रैप्स के साथ में। एंड भाई ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अगर आप देखते हो तो फुल्ली मेटालिक बिल्ड आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके चलते हुए काफ़ी रगड़ सी फील आपको प्रोवाइड करवाएगी। आउटडोर कंडीशंस में दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है, आपको उसमें 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करवाई गई है, जिसके चलते हुए आउटडोर में आपका यह काफ़ी अच्छा साथ निभाने वाली है। एंड हाथ में पहनने के बाद तो भाई अल्ट्रा 1 और अल्ट्रा 2 में आपको डिफरेंस ही नहीं पता लगेगा, तो ये आपको 90,000 वाली अल्ट्रा की लुक्स प्रोवाइड करवा देगी। अब अगर हम बात करते हैं इसके यूआई के बारे में, तो ऊपर से स्लाइड करने पर आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा जहाँ से आप काफ़ी सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग, ब्राइटनेस कंट्रोल, आप स्मार्ट वॉच को यहाँ से लॉक कर सकते हो, सेटिंग्स में जा सकते हो और भी काफ़ी सारे फीचर्स है। बाकी अगर बात करते हैं नीचे से ऊपर स्लाइड करने पर, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी सभी एप्लीकेशन की जिन जिनके आप इसे परमिशन देने वाले हो। बाकी लेफ्ट हैंड साइड से स्लाइड करने पर शॉर्टकट मेनू को आपको फीचर मिल जाता है, जहाँ पर डेट एंड डे वेदर अपडेट्स एंड कुछ फीचर्स प्रोवाइड करवाई गई है जिन आप यूज़ कर सकते हो। इवन SOS का जो फीचर है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो अगर आप किसी दिक्कत या परेशानी में हो। बाकी अगर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड से स्लाइड करने पर, तो यहाँ पर आपको HR मॉनिटरिंग, वेदर अपडेट्स, साथ में वो डाटा भी मिल जाएगा आपने कितने किलोमीटर चलाया, कितने कैलरीज आपने बर्न करी है, स्लीप रिपोर्ट आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। इसके साथ साथ म्यूजिक कंट्रोल आपको यहीं पर प्रोवाइड करवाया गया है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल एप्लीकेशंस के बारे में, तो भाई आपको ग्राउंड बटन को प्रेस करना है एंड जो अभी आपकी यहाँ पर एप्लीकेशंस होगी उन सब का एक्सेस आपको मिल जाएगा। वैसे अगर हम मेनू स्टाइल्स की बात करते हैं, तो आपको 3 तरह के मेनू स्टाइल्स वाली स्मार्ट वॉच जो प्रोवाइड करवाई गई है एंड जो भाई थर्ड वाला है ना, ये काफ़ी यूनिक है, मैंने अभी तक किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर ये वाला मेनू स्टाइल नहीं देखा है। एंड अगर आप ध्यान से सुनोगे ना,
तो उसका जो क्राउन है ना वो काफ़ी सेटिस्फाइंग से साउंड प्रोवाइड करवाता है, जिससे सुनने में काफ़ी मजा आता है। अब फटाफट से जरा इसके एप्लीकेशन की बात कर लेती है, उससे पहले हम जरा एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसके सेंसर्स को। तो यहाँ पर आपको HR मॉनिटरिंग प्रोवाइड करवाई गई है, तो फटाफट से जरा से टेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर बैक साइड पर जो सेंसर्स है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर इसने हमारी जो हर्ट रेट है वो 71 बताई है, मतलब सेंसर्स वगैरह तो आपको ठीक ठाक ही मिल जाती है। अगर SPO2 को हम चेक करते हैं तो अगेन यहाँ पर जो सेंसर्स है वो काफ़ी अच्छे से ब्लिंक कर रही है। अब चेकआउट करते हैं कि हमारी SPO2 कितनी बताता है। A few moments later. तो भाई इसने 96 बताई है, 97 बताई है, लेकिन ये हमारे नहीं हवा की हर्ट रेट है। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस वाली स्मार्ट वॉच को आप अपने हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ ना करें। बाकी आपको BP मॉनिटरिंग मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड की बात करते हैं तो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिन्हें आप यूज़ कर काफ़ी हेल्दी एंड फिट यहाँ पर रह सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर मिल जाता है। भाई नॉर्मल है, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच है तो ब्लूटूथ कॉलिंग का तो आपको सपोर्ट मिलने ही वाला है। बाकी अगेन डाटा में वही सब आपको फीचर मिलने वाले हैं कि आपने कितने किलोमीटर चला है, कितने कैलोरीज बर्न करी है, कितने स्टेप चलिए, वो सब मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्लीप रिपोर्ट भी प्रोवाइड करवाई गई है। इसके साथ साथ आपको वेदर अपडेट जैसे फीचर्स भी मिल जाती है। इवन आपको स्टॉप वॉच भी प्रोवाइड करवाई गई है। एंड यहाँ पर आपको एक और काफ़ी यूनिक सा फीचर मिल जाता है मेट का, आई डोंट नो ये क्या है, लेकिन यहाँ पर आपको वीक्स प्रोवाइड करवाई गई है। मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, क्या होने वाला है मेरे को भी पर्सनली नहीं पता है। बाकी म्यूजिक कंट्रोल टाइमर जैसे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाई गई है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में ब्लड प्रेशर आपको प्रोवाइड करवाया गया है। सेटिंग्स की अगर आप बात कर लेती है तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है, जिन्हें आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे ऑलवेज ऑन आप ऑन कर सकते हो, ऑफ टाइम कितना रखना है आपको वो आप कर सकते हो, रेस्ट टू वेकअप ऑन करना है या नहीं करना है, DND लगानी है, साथ ही साथ साउंड एंड वाइब्रेशन कितनी रखनी है। जैसे यहाँ पर आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हो, कम करनी है, ज़्यादा करनी है, सेम आप वाइब्रेशन को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे। एंड इवन आपको यहाँ पर पासवर्ड वाला फीचर भी प्रोवाइड करवाया गया है। अगर आप प्राइवेसी को लेकर थोड़ा से कंसर्न हो तो आप इसमें अपना पासवर्ड वगैरह सेट कर सकते हो, वो सब आप यूज़ कर पाओगे। अबाउट वाले सेक्शन में अगर मैं आपको लेकर चलता हूँ तो यहाँ पर इसका मॉडल, नेम, मैक एड्रेस वगैरह, वर्जन सब आपको प्रोवाइड करवाया गया है। वैसे इसकी जानकारी कौन ही रखता है। आपको यहाँ पर कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, रीसेट फैक्ट्री, रीसेट टाइम, सेटिंग, शटडाउन वगैरह के, जिन आप यूज़ कर सकते हो। बाकी यही था इस ओवरऑल स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसी लगी। एंड इस वाली स्मार्ट वॉच की बेस्ट बनने का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर हम बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में, तो ये वाली स्मार्ट वॉच सेम सी अल्ट्रा 1 जैसी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो हैंड गेस्चर वाला फीचर था वो मेरे को पूरी स्मार्ट वॉच में कहीं पर भी नहीं मिला कि कैसे उसे यूज़ करना है। बाकी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है, फीचर्स है, वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। कुछ यूनिक फीचर्स आपको मिल जाती है, जैसे जो उसका मीनू स्टाइल्स है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इवन अगर हम वॉच फेसेस की बात करते हैं तो 8 से 10 वॉच फेस आपको इसमें प्रोवाइड करवाई गई है, जो कि यूनिक्स है, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो। ओवरऑल इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाई गई है। एंड लुक्स के मामले में ये ठीक ठाक लुक्स आपको प्रोवाइड करवा देगी। तो इसकी बेस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट ज़रूर से कर लेना। सो गाइस, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो उस वाली बात के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये अल्ट्रा 2 का क्लोन कैसा लगा है, कि आप इसे बाय करने वाले हो। एंड याद है ना मैं स्टार्टिंग में क्या बताया था, इसकी बेस्ट बंगले आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार चेकआउट जरूर से कर देना। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो भाई, साथ में बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नई स्मार्ट वॉच के साथ में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।